देन 300 सीट निश्चित रूप से मिलेंगे। आपकी अपनी सीट पर क्योंकि बड़ी कड़ी टक्कर का सामना आपको करना पड़ रहा है, अपनी सीट को लेकर कितनी भरोसा है? नहीं नहीं, मैं तो कभी किसी से टकराता ही नहीं, उससे टक्कर का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और मैं किसी को कोई चुनौती नहीं मानता हूँ और न तो मैं किसी को चुनौती देता हूँ। और एक जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत रहते हुए मैं भी मतदान करने के लिए आया हूँ। और किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी चाहिए, इसका फैसला तो जनता ही करती है। 2009 में 39% मतदान हुआ था, बहुत कम हुआ था, इस बार क्या उम्मीद है, कितना मतदान होगा? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा सारे देश भर में हो रहा है, कि इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत ही अधिक लखनऊ में भी बढ़ेगा, जैसे सारे देश में होगा। क्या इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी, उस इलेक्शन कमीशन के प्रति पूरा एक सम्मान का भाव, रेस्पेक्ट का भाव रखती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मैं समझता हूं कि उस पर भी अब कोई कमेंट करने का कोई कारण नहीं है। नीचे डाउन कुमार, मोदी जी भी चुप है इस पर, क्योंकि मानव जी का स्टेटमेंट है कि मोदी जी कोई भी हमको इस संबंध में कुछ नहीं कह रहे। दादाजी, देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है मायावती ने, आज अभी सुबह 8:30 बजे लगाया, क्या कहेंगे? जो जिसको जो आरोप लगाना हो लगा, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे एडवर्स कमेंट किसी के बारे में कुछ कुछ नहीं। राजा जी ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से भूमिका बना रहे हैं साथ आने की मोदी जी को रोकने के लिए, क्या कहेंगे आप दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं? जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, अब देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री यदि किसी को होना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी को ही होना चाहिए। और किसी कोई राजनीतिक पार्टी अब रोक नहीं पाएगी। नहीं नहीं, कि केवल राजनाथ सिंह और मोदी की जोड़ी नहीं, बल्कि हमारे जितने भी हमारा ये सीनियर कोलीग्स हैं, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। दो बड़ी बातें दिखी जो बातें कर रहे थे राजनाथ सिंह। पहला, अभी तक मिशन 272 का जिक्र ज्यादा होता था, लेकिन अब 300 के आंकड़े की बात होने लगी है। और दूसरा, बाबा रामदेव कुछ ज्यादा खास हो गए हैं शायद बीजेपी के लिए, अब उनके अध्यक्ष भी उनके विवादित बयान पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर